Good morning, Amit sir. Foreign currency convertible bonds and foreign currency exchangeable bonds में बहुत ज्यादा confusion है sir. Can you please clarify? Foreign currency convertible bonds versus foreign currency exchangeable bonds. को bonds और debentures भी कहते हैं. Foreign currency convertible debentures and foreign currency exchangeable debentures. हम compare कर रहे हैं FCCB versus FCEB. Foreign currency convertible bonds, foreign currency एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स. एक इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड. यूएस या यूके कहीं के भी लोगों से पैसा ले रही है और इनको इश्यू करती है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, कुछ भी कह लो. यूके में इसको डिबेंचर्स बोलते हैं, यूएस में इसको बॉन्ड्स बोलते हैं, हमारे यहां दोनों बोल. ए लिमिटेड कहां की कंपनी है? इंडिया की कंपनी. तो इस इंडियन कंपनी ने यूएस या यूके के लोगों को बॉन्ड्स इश्यू करे और लोगों ने क्या करा, इसको फंड्स दे दिए. अब कोई टाइम पीरियड दिया होगा इसके अंदर जो जनरली 5 साल का होता है, ठीक है. तो आफ्टर 5 ईयर्स ये क्या करेंगे, अपने बॉन्ड्स वापस सरेंडर करेंगे और फिर ये ए लिमिटेड क्या करेगी, यूएस के लोगों को या यूके के लोगों को, जहां के भी इन्वेस्टर से, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देगी. तो अब आप देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ये वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं जो बाहर के लोगों को इश्यू किए जाते हैं. पहले जब प्राइमरीली कुछ सालों तक वो कौन रहते हैं, बॉन्ड होल्डर्स रहते हैं. बाद में वो बॉन्ड होल्डर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर्स. इनको 5 साल बाद क्या इश्यू होंगे, इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स. तो ये एक्चुअली में मेंबर माने जाएंगे, इनको वोटिंग राइट मिलेगा. एफसीईबी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. सर ये ए लिमिटेड एक कंपनी है, ये यूएस या यूके के लोगों से पैसा लेती है, बॉन्ड्स इश्यू करके इनसे फंड्स ले लेती है. ये भी कहां की कंपनी है, इंडियन कंपनी. अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, सुनिए. ये जो यूएस और यूके की पब्लिक है, जो बॉन्ड होल्डर है, ये ए लिमिटेड को वापस नहीं करेंगे बॉन्ड्स. ये क्या करेंगे, एक कंपनी होगी कोई और जिसका नाम होगा बी लिमिटेड, ये भी इंडियन कंपनी होगी और ए और बी का आपस में कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी. तो यूएस या यूके के जहां के बॉन्ड होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बी लिमिटेड को क्या करेंगे, बी लिमिटेड को आफ्टर 5 ईयर्स, एग्जांपल ले रहे हैं 5 सालों का, बॉन्ड्स ट्रांसफर कर देंगे बी लिमिटेड के नाम पे. क्लियर है बात. और फिर बी लिमिटेड इनको अपने इक्विटी शेयर दे देगी. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि एफसीसीबी और एफसीईबी में फर्क क्या है. एफसीसीबी में आप जिस कंपनी के बॉन्ड होल्डर हो, आप उसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, जबकि एफसीईबी में आप बॉन्ड होल्डर ए लिमिटेड के हो, शेयर होल्डर बी लिमिटेड के हो. क्लियर है बच्चे ये बात, कॉन्सेप्ट समझ आ गया. जिसके बॉन्ड होल्डर हो उसी के शेयर होल्डर हो, जिसके बॉन्ड होल्डर हो शेयर होल्डर किसी और कंपनी के हो. सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की. एफसीसीबी या मीनिंग भी, एफसीसीबी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर ऑफ इश्यूअर कंपनी. एफसीईबी इज एन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंजेबल विद इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी अदर दैन कंपनी इश्यूइंग बॉन्ड्स. नंबर ऑफ पार्टीज इसमें हो गए इश्यूअर कंपनी एंड इन्वेस्टर. यहां पर कितनी पार्टीज हो गई, 3 पार्टीज, कंपनी इश्यूइंग बॉन्ड्स, इन्वेस्टर्स, तीसरा कंपनी इश्यूइंग इक्विटी शेयर. फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग. जब कंपनी ने एफसीसीबी इश्यू करा और उसके बाद एफसीसीबी को वापस लेके उसकी जगह इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया, जब सरेंडर हुआ उससे, क्या इससे कंपनी का डेट कम हो गया? ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम इस डायग्राम में. क्या इसकी इक्विटी बढ़ गई, क्या इसकी डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो गई, क्या उसके डेट को कोई फर्क पड़ा? भाई पहले डिबेंचर, पहले उसने एफसीसीबी एफसीईबी इश्यू किया था, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, पहले किसने खरीदे हुए थे, यूएस या यूके की पब्लिक ने. अब वो बॉन्ड्स किसके पास आ गए, बी लिमिटेड के पास. पर बॉन्ड्स तो अभी भी रहे, यस और नो, बॉन्ड्स खत्म थोड़ी हुए. वो फर्क क्या है कि इन्होंने बॉन्ड्स इसको ट्रांसफर कर दिए. देखिए स्टेप नंबर 3, यूएस और यूके की पब्लिक ने बी लिमिटेड को बॉन्ड्स दे दिए. इसका मतलब अब बी लिमिटेड ए लिमिटेड की कौन बन गई, बॉन्ड होल्डर बन गई, यस और नो. तो इसका मतलब बॉन्ड्स खत्म थोड़ी हुए इसके. क्या ए लिमिटेड ने के बॉन्ड्स खत्म हुए हैं, नहीं. क्या ए लिमिटेड ने नए इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं, नहीं. इसका मतलब यह हुआ कि जो ए लिमिटेड है इसकी डेट इक्विटी रेशियो अनअफेक्टेड रही. अगर हम बात करते हैं यहां पे मोड,
FCCB जो होते हैं ये कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं और ये एक्सचेंजेबल होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नो सच MOU, MOU बिटवीन बोथ दी कंपनी। कि इसमें जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है वो होगा बाय सोल कंपनी ओनली और इसमें मे बी एलोकेटेड बिटवीन बोथ द कंपनी। स्टेटस, बॉन्ड होल्डर ऑफ ए लिमिटेड और फिर बने शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, बॉन्ड होल्डर ऑफ ए लिमिटेड बाद में बन गए शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। थैंक यू सर, दिमाग की बत्ती जल गई। Audio Jungle.